यार संदीप भाई, यार ना झगेरू ना मंगेरू, वो ढकेलू खिलावन पता नहीं का नाम उनका सबके यार। हाँ। वो सब तब की चंदन आए दिन ना बराबर यार। अच्छा जन्माष्टमी वाला ना? जन्माष्टमी वाला तो प्लान बनाया है लेके चली था ना रसीद वसीद का है, टेंशन लियो तो अगर न दे है ना तो अगर जान लियो जौन बुरा हाल करा जाई पंप हर दिया जी पंप एकदम। हाँ तब जान पे है आज की गुटका खाई करती सबके दारू शराब आज की गुटका खाए ले हैं दारू शराब गांजा कुछ भी पी के थूक दिए नाली में पड़ा रहे उसे नहीं मतलब है। माता रानी का एक चंदा है, कृष्ण भगवान का चंदा है, चंदा ना दे है जल्दी। अरे दादा एक रुपया चंदा क्यों दो ये न है संदीप भाई, अगर आपकी क्यों चंदा नहीं दी ना नाला उखाड़ कर सीधा ऐसा पंप हो गया जी पंप। अरे यार तू चलो तो पहले गांव में चलो नाली में लगा चंदा पिछले साल गायब हुए गाँव में जन्माष्टमी ठाने भैया अब आपका एक से एक रुपया का बोलते दान देख पड़ी पूरे गाँव में यहाँ एक रुपया का चंदा कटा था ठीक है अब आपका देख पड़ी भैया ऐसा कहो बताइए रुपया ना है यार मेरा दवाई कराए ना पाए पैसे बिना यार भाई ना सही महीना में तो कम से कम जितने आस्ती खा लीजिए तो उतना साला एक बार चंदा मांगी थे हम सब यार दे दिया करो भैया काहे यार बात बताओ तो वो पहलदार साथे वो इतना बैठ कर का बोलते हो काय मा काय लड़ाई दियो और पाई को पाई बनाई हो के तो नहीं पेते। हां हां सही सही बात ये बताओ तब तू बने करते नहीं अक्सर ये ग्रुप में चंदा नहीं है चंदा है भैया का करे भैया ना है संजय काम करो साला हम तो धूप में दिन भर घूम घूम चंदा ही ये सब भाग के इधर उधर घुसर जा साला दिन भर खाए कि नहीं आज की खाए पैसा आए करो जी अब की चंदा ना दी ओके बहुत बुरा हाल हो ओके किने करो ओका लेकर चलो वही ताले के ना रखा बांधा था ताले के ना पकड़ कर संजय बोलते ही पकड़ कर लेकर चल बांधा था एक बताइए जगह चल ले चल चल ले चंदा कैसे ना दे हम लेके आए थे रश्मि का पकड़ बताई संजय भाई इनका पकड़ के रखो हम रश्मि लेके आए थे इनके मुँह में कपड़ा ठूस ठूस कर इनके याद हो जाए की हाँ की का बोल सके पाले पड़ा हन के पाले नहीं पड़ा अगले जन्माष्टमी में मुँह फूला रहा है इनके। हाँ कपड़ा लेके आए थे रश्मि सब लेके आए थे इनका पकड़ के भैया काहे 100 रुपया ताई हमें काहे अपना हम आगत करे दिया भैया छोड़ दो भैया 100 रुपया ताई भैया काम करो भैया अरे ना वो 100 रुपया दे पाए भैया कौन बात ऐसा ना है भैया अगले साल 251 ले लियो भैया अगले साल अगले साल अगले साल भी ऐसे कैसे अगले साल ले लियो भैया हाथ जोड़े भैया हाथ जोड़ी थे भैया ए भैया छोड़ दो भैया अरे 100 रुपया था इतना गत हमार ना करो भैया तो ऐसा करम ना कि याद रखो अरे भैया घर का खेल है भैया तो तुसे लिया हाल कर चंदा दे दे भैया अब चाहे तहर मेहरारू बीमार हुआ चाहे तहर लड़का बीमार हुआ अरे अगले साल ऐसे के हो रहा चंदावा तो हम लिया करा वसूल लिया तू टेंशन ना लियो संजय काम करो लगे चलो ओकरे लगे ए ढकेलुआ घूमत रहा चल 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 की बड़े अब बांधा है कहू ना दई है जाबो कहां तू आई था तोरो खबर छोड़ दो भैया लाई था तोरे पार्टी के सस्ता चल ढकेलुआ अंदर ओए कुम ढकेला तोई पता है हमें ढकेला तो नहीं अगर ओए ना तो है ना तो उनका भाई का सब किया दिया भाई चलो ओ हाल होई नहीं जैसे हम बांधा है वैसे हुई है। हां चलो आओ चल भाईवा कहां है ढकेलुआ हो ढकेलू भाई हो भैया कहां जा तो या बैठा या बड़ा तो ए ढकेलू या संदीप भाई ए ढकेलू तू ढकेले में बाजा आया चलो इनका पकड़ो पहले बताई चल भाई पकड़ के पहले गिर जा नहीं पकड़ो ना ए ढकेलू भैया अब ये का बात है अरे ढकेलू कब से घुराई थे सुनात ना का ढकेले में बाजा अरे खाना वाला खाए भिड़ा रहे भैया अरे खाना खाए भिड़ा रहे भैया और बढ़िया है एक तो बात का ढकेलू भाई आप हां भैया बताओ जन्माष्टमी ठाना का है धूमधाम से मनावे है एक से एक रुपया चंदा कटा था का होता भाई और एक से के ना दूसरे क्या कटो पिछली बार भैया गरीब आदमी तो दूसरा क्या कौन बात ना एक से एक रुपया का कटा था भैया ठीक है
एक से एक रुपया आपका दान दे पड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनावे है धूमधाम से की ना देव काल चलायो भैया ले लो घर ना तो दूध दो बताइए काल चलायो पिछली बार फिर काल चलायो एक काम करो पिछली बार भी ऐसे किए हैं देबो की ना देबो काल ले लो भैया ये काम करो संजय भाई ले चलो हुए उन्हीं के लेके लेके चलो बांधो पकड़ तो भाई चल पकड़ दादा ये सब चंदा ना दे इनके सबके हम पकड़े रहो संजय सीखा भैया कोने दुनिया में लेके आया मैं दुनिया का ही मान है भैया दुनिया में दुनिया बिना चंदा नहीं आवत है भैया आराम से बांधो आराम से ना है आराम से बांधे हो तुम्हें हम जोन में बांधा जैसे भैंसिया नहीं पकड़ा थी बांध ही रहा अरे भैया नहीं नंबर का इनका काव काव निकला काव तो हर उनका तो हारो हां भैया का चाहत है तू दिया वो चंदा वा किना देवो हो भैया कन्या कल लिया ना आज चंदा चाहिए हमरा है ना भैया चंदा काहे ना देतो दो साल से गांव में रहते हो का रह नए साथ परदेश रहन यार परदेश में रहो अभी पिछले सलिया परदेश में रहो पिछले सलिया भाग के घुसर के उधर सलिया में है हां चंदा ले कोई तो भैया आई थे सुसू लाग अगले साल ले लियो अगले साल ले लियो हर साल यह करबो तो बहुत गुस्सा लागत आई थी अगले साल ले लो कितना लगा इससे एक ले थो हम 251 दे देबो अगले साल ठीक है भैया हाँ भैया क्या हाल चाल बढ़िया है भैया ये कहाँ आयो तू अरे भैया हमार ना पूछो भैया हम तो फंस गए ऐसा जंजाल में काओ बताइए ऐसा फसा जंजाल में कि समझ नहीं आओ थे बताओ 100 रुपया ताए बताओ 100 रुपया अरे घर आ गया भैया 221 रुपया मांगा दे हम क्या भैया का ले मारे लागे सर का बतवा थे अरे ये सब जवान वही सब बतवा था पैसा दिया के नाम ना आई थे का करा जाए बताओ मुझे समझ में नहीं का करा जाए सकते ये काम करो इनका सबका ठोक दो यही थी का हाँ की एक साल याद रहा जब जन्माष्टमी आवा तब उस दिन फिर याद आवा जब बना दिया भाई बताओ का करी कहा भैया छोड़ दो भैया छोड़ दो भैया अंधार का करी हो हमें छोड़ दो भैया तुहू कहा था छोड़ दो उन्हों कहा था छोड़ दो तो पैसा के दिए हमारे पप्पा है पप्पा हमारे यहाँ दे हैं आगे पीछे देख कहो यही माँ अगले साल वाला सिस्टम ना यही माँ देख कहो तो छोड़ दे तो परसों ले लो भैया परसों पैसा वाला मार 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 परसों परसों देखते हैं भाई लोग ऐसे ही होता है जन्माष्टमी के दिन ऐसे ही होता है चंदा लेने जाते हैं तो सब ऐसे ही करते हैं और गाँव का ऐसे ही होता है भाई गुटका पानी खा के थूक देते हैं लेकिन चंदा मांगने जाओ तो 100 रुपया नहीं देते तो भैया ऐसे मत करना जैसे हमारे साथ में आज हुआ है हम दोनों के साथ में हुआ है तो चाहे जन्माष्टमी का हो चाहे दुर्गा जी का पूजा का हो चंदा हर लोग को देना है और कंजूसी नहीं करना है चाहे 10 रुपया हो चाहे 21 रुपया कुछ भी हो लेकिन तुरंत दो बिल्कुल भैया सभी को देना पड़ता है और सभी को देना चाहिए और देते रहना आप लोग जैसे इन लोगों का साल में एक बार आता है और उसमें भी सब मस्ती कर जाते हैं बस वही चीज है सही भैया तो वीडियो इसीलिए बनाया गया था कि बहुत से लोग होते हैं कि दारू शराब गांजा में दारू में इस समय खत्म कर देते हैं पैसा मगर अगर चंदा मांगने जाओ पैसा नहीं देते हैं ठीक है तो वीडियो इसीलिए बनाया गया था आप लोग आगे शेयर करिए कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो कमेंट बिल्कुल भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना अपना आशीर्वाद दीजिए जय हिंद जय भारत।